एनिमल एनिमल एनिमल। दोस्तों आज जिस फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा है वो और कोई नहीं संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर की एनिमल। क्या हाइप क्रिएट करके रखा था संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं संदीप रेड्डी वांगा वो डायरेक्टर हैं जो किसी भी एक्टर से अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। इससे पहले शाहिद कपूर की आपने कबीर सिंह देखी होगी, कबीर सिंह में क्या एक्टिंग की थी शाहिद कपूर ने और अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस वाकई में मैं बोल सकता हूँ उसको। और शाहिद कपूर के करियर की सबसे बेहतरीन मूवी कबीर सिंह ही होगी। और उसी तरह से अब रणबीर कपूर से भी उन्होंने जो एक्टिंग कराई है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इतनी चर्चा हो रही है इस फिल्म की कि बाकी की सारी फिल्में तो याद ही नहीं आ रही हैं। और रणबीर कपूर ने भी इस फिल्म में जो एक्टिंग करी है वो पूरी की पूरी रणबीर कपूर की ही फिल्म मानी जा रही है। अब जैसा कि आपने देखा इससे पहले सबसे पहले फिल्म का पोस्टर आया था तो एक हाइप क्रिएट हुआ था कि रणबीर कपूर को इस तरह के रोल में देखने का। उसके बाद आया फिल्म का टीज़र, टीज़र ने उस हाइप को और बढ़ाया। लेकिन जिस दिन से इसका ट्रेलर आया था उस दिन से तो इस फिल्म की हाइप लगभग 10 गुना और ऊपर बढ़ गई थी। जैसा कि 3.5 मिनट का ट्रेलर आया था तो 3.5 मिनट का ट्रेलर, इतना लंबा ट्रेलर बहुत कम आता है, और कब वो ट्रेलर शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया कुछ भी मालूम नहीं चला। और यकीन मानिएगा इस फिल्म को भी आप सोचेंगे 3.5 घंटे की पिक्चर है कैसे इस फिल्म को झेलेंगे, लेकिन फिल्म शुरू से लेके एंड तक आप कहीं भी इस फिल्म से बोर नहीं होंगे। और ये फिल्म कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, आप खुद कहेंगे कि शायद थोड़ा और इस फिल्म में हमें दिखाई देना चाहिए था। 1 भी सीन इस फिल्म का आप मिस नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है बाप बेटे की स्टोरी है, लेकिन एक बाप और बेटे की स्टोरी को इतना ग्लोरीफाई किया है संदीप रेड्डी वांगा ने, वो अपने आप में कमाल है। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जो वाकई में आपका दिमाग हिला देंगे। स्क्रीन प्ले इतना बारीकी से लिखा गया है कि एक के बाद जब दूसरा सीन आता है तो कुछ अंदाज़ा आप लगा लेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन यकीन मानिएगा आपके अंदाजे से बिल्कुल अलग वो नेक्स्ट सीन होगा। इतने ट्विस्ट एंड टर्न, इतना सस्पेंस। जैसा कि संदीप रेड्डी वांगा ने अपने पहले के इंटरव्यू में बता दिया था फिल्म रिलीज होने से पहले कि ये फिल्म एक वॉयलेंस फिल्म होने वाली है, ये उन्होंने बताया था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप खून खराबा देखने के आदी नहीं हैं और ब्लड देखकर ही उल्टी आती है तो भैया एक गोली जरूर खाते जाइएगा उल्टी रोकने की। खैर ये मजाक की बात रही, लेकिन एक्शन की भरमार है, वॉयलेंस की भरमार है इस फिल्म में, जितना उन्होंने बताया था उससे कहीं बढ़ चढ़ कर है। खास तौर से इंटरवल से पहले अर्जन वैली गाने में जो वॉयलेंस दिखाया गया है वो वाकई में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फिल्म में वॉयलेंस है लेकिन वॉयलेंस के साथ में इमोशन का जो तड़का है वो बहुत बेहतरीन बनाता है हर सीन को। फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको बहुत जगह गूज़बम्प्स वाली फीलिंग आने वाली है, और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर रणबीर कपूर की एंट्री होती है, और उसके बाद हर सीन में वो इतने लाजवाब मिले हैं। और जैसा कि आपको मालूम है इसमें रणबीर कपूर के बहुत सारे शेड्स हैं और हर शेड्स में उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। और शायद इस परफॉर्मेंस के लिए उनको अगर फिल्मफेयर का अवार्ड मिल जाए बेस्ट एक्टर का तो कोई बड़ी बात नहीं है, वाकई में बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है उन्होंने। और इसके अलावा अनिल कपूर की एक्टिंग शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, इतना एक्सप्रेशन उन्होंने कमाल का दिया है पूरी फिल्म में। और ख़ास तौर से जब रणबीर कपूर और अनिल कपूर की जो डिस्कशन होता है, जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो वाकई में कमाल के सीन है। रश्मिका मंदाना ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। बॉबी देओल को इस फिल्म में देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट में हुआ हूँ, और बहुत ही छोटा रोल है उनका, शायद संदीप रेड्डी वांगा ने उनके लिए कुछ सोच रखा होगा, मैं कुछ भी ऐसा स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन जितना भी उनका रोल है उस रोल को पूरी ईमानदारी से उन्होंने निभाया है, और अलग शेड्स में बॉबी देओल यानी कि लॉर्ड बॉबी देओल दिखाई दिए हैं जो बहुत बेहतरीन है। अगर इस फिल्म से वॉयलेंस थोड़ा सा कम कर दिया जाता और इंटीमेट सीन बिल्कुल हटा दिए जाते तो ये फिल्म फैमिली के साथ भी देखी जा सकती थी। जो बाप बेटे का रिलेशन है वो फैमिली के साथ देखने में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता जो बहुत बढ़िया रहता। बात करें डायरेक्शन की, स्क्रीन प्ले की, स्टोरी राइटिंग की, म्यूज़िक, BGM और एक्शन सब कुछ परफेक्ट है इस फिल्म में। स्पेशली 3 गाने जो फिल्म में हैं, एक सोनू निगम की आवाज़ में, एक बी प्राक की आवाज़ में और एक जो अर्जन वैली गाना है, वो तीनों गाने इस फिल्म की जान है। 3 घंटा 21 मिनट की फिल्म में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, लगभग 3.25 घंटे आपको लेके जाने पड़ेंगे फिल्म में, इंटरवल है और फिल्म के स्टार्टिंग से पहले जो भी है लगभग 3.5 से 4.25 घंटे की फिल्म है, लेकिन कहीं पे भी आप बोर नहीं होंगे, इंगेजिंग फिल्म है। फिल्म का फर्स्ट और लास्ट सीन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, नहीं तो आपके पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जो लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा
वो बिल्कुल आपके लिए एक अलग लेवल का सरप्राइज़ है। पोस्ट क्रेडिट सीन काफ़ी फिल्मों में आते हैं, सरप्राइज होता है वो एक, लेकिन इस फिल्म में जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो सारी फिल्मों से बिल्कुल हटकर है, उसको किसी भी तरह से मिस मत करिएगा। और जाने से पहले इतना कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।